फटाका फोड़ रहे हैं, रास्ते में फटाका फोड़ रहे हैं। जशपुर का बाजार हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज हम लोग कहीं कहीं जाएंगे, बहुत आज मौके कहीं जाना भी है, मार्केट वार्केट वगैरह जाना है। तो हम लोग अभी दिखाते हैं भाभी को, ये मेरे भाभी, ये है मेरी भौजी। कहाँ जा रही है भाग जी? वो मैं वीडियो बना रही थी तो वो मेरे को देख के हंस रही थी, बोल रही थी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और आज हम लोग मेरे फ्रेंड लोगों से बोल रहे हैं कि कहीं जाएंगे करके, तो देखते हैं। वो लोग मेरे को कॉल किए थे कहीं जाने के लिए, फ़ोन किए थे, आज मार्केट में जाना है और कहीं कहीं और भी कुछ कुछ शॉपिंग करना है वगैरह, मतलब घर का शॉपिंग करना है। फिर सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, देखते हैं, आगे मिलते हैं उन लोग से। और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, मेरे घर के बाहर ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा। मेरे फ्रेंड लोग के पास जा रही हूँ अभी मैं, वो लोग मेरे बुलाए हैं इसलिए, वो लोग बोल रहे थे कुछ करेंगे और मार्केट जाएंगे इसीलिए थोड़ी देर आ जाओ मैं हम लोग के पास, ऐसे करके बोल रहे थे। तो जाते हैं फिर उनके पास में और देखते हैं क्या होता है आगे। और ये है मेरी फ्रेंड का घर, पहुंची गई मैं यहाँ पे, पता नहीं देखते हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। दीपिका मोटी, ये जहाँ भी जा सकती है सो लेती है। कहाँ मोटी, उठ रहे उठ ब्लॉक मत जाओ, सब मारेंगे। काहे बनाए नहीं बनाएंगे, देखो ये बहुत कैसी इंसान है, जहाँ भी कपड़ा मिला इसको वहां सो देती है। ये देखो गाइस मेरा बाल अच्छा दिख रहा है? हाँ अच्छा दिख रहा है तुम्हारा बाल। ये जुल्फी कटा रही है, देखो देखो जुल्फी कटाने में बिजी है ये। और ये देखिए इसका बैग कितना गंदा, कितना साल से धोई नहीं है लगता है, कोई सफाई ही नहीं है। पागल है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कैमरा पर फोकस करो लड़की को जो बरसोते रहती है। अरे खेदो खेदो, कपार बत्ता है उसका, का बत्ता है रे हम लोग। भाटू जी परफ्यूम लगाया है उधर, इधर है जीजा जी। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ कर रहे थे, फालतू का बकवास कर रहे थे अभी हम लोग यहाँ पर। और ये हम लोग का नज़ारा है, ये हम लोग का बस्ती का नज़ारा है, वो अखरा है और वहाँ पे लोग पानी वानी भर रहे हैं। अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, वैसे बहुत लेट हो गया, हम लोग जल्दी जाने वाले थे पर जा नहीं पाए जल्दी। अभी हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे तो उतर रहे। ये देखो ये यहाँ से हम लोग उतरना पड़ेगा। दीदी ऐसे उतर रही है यहाँ से, देखिएगा गिर ना जाए। लड़की वाला बात हो गया, आउच। हम लोग अभी बाजार जाने के लिए निकल गए हैं घर से और रास्ते में चलते हुए ये है उधर वो भिसवा रहा है मेरे को। और इधर का जो धान था वो कट चुका है पूरा, इधर का धान भी कट चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इधर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, वैसे ठंडा के दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है और बरसात में ठीक लगता है ना रे? हाँ बरसात में, और गर्मी में खाली खाली लगता है। और ये दोनों हीरोइन का खा गोरे बाजार में आज, और मोटी तो का खाएगी बता। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं रे? जयस्तम चौक। अभी जयस्तम चौक, और ये है हम लोग का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यहाँ पे जो होता है पढ़ाई वढ़ाई के लिए यहाँ पे आते हैं पढ़ने लोग के लिए, लोग यहाँ पे फ्री में भी पढ़ते हैं बहुत लोग। और बता दूँ मैं आप लोगों को, और ये है जयस्तम चौक, जयस्तम चौक है जयस्तम का। ये
रही है। बहुत लोग तो देख रहे हैं मेरे को, क्या करना, बाजार में देखेंगे ये बहुत लोग। ये है राधा कृष्ण मंदिर, आगे वहाँ पे फटाका फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कि खुशी में फटाका फोड़ रहे हैं, नहीं पता, शायद तो कमल छाप जीता उसी लिए फटाका फोड़ रहे होंगे लगता है मेरे को। फटाका फोड़ रास्ते में फटाका फोड़ रहे हैं साले लोग, सब लोग पता भी नहीं है लोगों की क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये है हम लोग का जसपुर का पार्क, और ये तालाब है, ये नीचे तालाब है और उधर ऊपर तालाब है। इधर सर्दी का दिन है, बरसात ठंडा का दिन है, तो इधर कुछ कुछ लगा हुआ है, आज स्वेटर वाला सब कुछ कुछ सेल लगा हुआ है। अभी शाम होने को है, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है दिखा देंगे आपको भी, एक जन आदमी बोल रहा है हम लोगों को भी दिखा देना करके। तो फिर इधर लगा हुआ है ये बाजार, जसपुर का बाजार। अभी सोच सोच बाजार करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या लें क्या लें, पता नहीं चल रहा है क्या क्या लें क्या नहीं लें, देखते हैं क्या क्या लेते हैं क्या क्या नहीं लेते हैं। प्याज कैसे है? बहुत ज़्यादा वजन है, भारी है, बहुत ज़्यादा ही भारी है ये वाला झोला। अभी तो शाम हो गया, बहुत ही टाइम हो गया। ये रहा हम लोग का मोमोज खा के घर जाएंगे, अभी भूख लगा है इसलिए हम मोमोज खा रहे हैं यहाँ पे। ये हम लोगों का झोला इतना भारी वजन है कि हम लोग क्या बताएं, पूरा थक चुके हैं, ये भी थक गई है। आगे बहुत सुनसान रास्ता है, बहुत ज़्यादा ही सुनसान रास्ता है। और चालना मोटी बनता ही नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता बहुत छोटा है। हम लोग ये गुजारिश करते हैं यहाँ का जो क्या है पार्षद से कि वो रास्ता को अच्छे से बना दे, अगर सुन रहा है तो। हाँ वो बात तो है, अभी बीजेपी वाला जीता है लेकिन रास्ता को बनाना चाहिए। बीजेपी जीता है तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब किस चीज के लिए था, अरे विधायक के लिए ना, विधायक के लिए था, विधानसभा का तो विधायक, विधायक से बोलना पड़ेगा। हाँ तो हम लोग की राय मुनि भगत जी से हम लोग निवेदन चौड़ाईकरण किया जाए और इसको बनाया जाए। और लाइट ही नहीं है तो क्या करेगा इंसान। सुबह आया तो 9 दिन भागा तो यही पर इधर ही आराम आया। हाँ पता है, एक बार यहाँ पता था, बता था स्टोरी, बता नहीं स्टोरी बता रहे हैं हम लोग, एक स्टोरी है सुभाष बोले। हाँ एक दिन हम लोग का दोस्त आया था करवा टाइम में, आया था एक दोस्त यहाँ पे करवा नाचने के लिए आया था, तो फिर वो घर जा रहा था रास्ता रात को वापस अपने घर जाऊँगा सोच रहा था रांची, तो फिर अकेले ही आ रहा था रास्ता में, अकेले आया। फिर वहाँ पर हाँ ढलान के पास में उसको तो कुछ दिखा, अचानक से उसके पास सामने आ गई थी बोला, और अकेले बहुत जोर से दौड़ा है, दौड़ा अपना घर पहुँच गया। फिर सुबह गया घर, मैं तो ना हार्ट अटैक से मर जाती हूँ। मतलब वो ना बोला कि एकदम सामने आ गया था अचानक से ना। हाँ एकदम सामने आ गया था, तो मैं भी देख, हम लोग घर पहुँच गए हैं और ये लोग अभी घर जा रहे हैं। बाय कर दो लास्ट बार, बाय 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 बाय। तो हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हमको अच्छा लगा होगा तो हम लोग का ब्लॉग। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।